बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पेपर हैकर में। आज हम बात करेंगे BSc 5 सेमेस्टर के फिजिक्स के फर्स्ट पेपर के लेकर, क्योंकि फर्स्ट पेपर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो उसकी बात करेंगे। और हम बात करने वाले हैं 2024 में आने वाले प्रश्न। आप लगभग में 15 से 16 क्वेश्चनों को याद करके 85% प्लस लाने वाले हैं। कह सकते हैं कि आपको आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर पैदा नहीं है फेल करने वाला, क्योंकि इन क्वेश्चनों के अलावा कुछ आ ही नहीं सकता। आपने इन क्वेश्चनों को पढ़ लिया तो समझ लीजिए आप टॉपर बनने वाले हैं 2024 के। तो कैसे पढ़ेंगे, कौन कौन से क्वेश्चनों को याद करना है, कहाँ मिलेंगे इन क्वेश्चनों के नोट्स, तो आपको नोट्स मिलता है पेपर हैकर ऑफिशियल ऐप। आप पेपर हैकर ऑफिशियल ऐप अपने प्ले स्टोर पर भी सर्च कर सकते हैं, या कुछ इस तरीके का हमारा एप्लीकेशन खुलेगा, देख लीजिए ये प्ले स्टोर खुला हुआ है, इस पर पेपर हैकर जब सर्च करेंगे, पेपर हैकर ऑफिशियल ऐप सर्च करेंगे तो खुल जाएगा। इसको इंस्टॉल कर लेना है और आपको सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। एक दूसरा एप्लीकेशन यहां देखो और मिल जाएगा जिसका नाम है पेपर हैकर प्लेलिस्ट। इस पर आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाती हैं, जितने भी हमने प्लेलिस्ट डाल रखी हैं। जैसे कि आपको बॉटनी का 5 सेमेस्टर के स्टूडेंट हो तो बॉटनी 5 सेमेस्टर पर टच करेंगे तो उसमें सारे खुल जाएंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में थोड़े से और नीचे जाएंगे तो और प्लेलिस्ट दे रखी है कि बॉटनी के पेपर में या फिजिक्स के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन का हमने वीडियो बना रखी है, तो वो भी आपको सारी सारी इस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। तो ये दो एप्लीकेशन एक ऐसे हैं जो आपको इंस्टॉल करके रखना ही चाहिए अपने फोन में ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो बाकी मैं एप्ली और बाकी 4 सेमेस्टर के जैसे फिजिक्स का आप देख सकते हो, यहाँ मैंने अलग से डाल रखा है। कोई आपका भाई बहन है BA 4 सेमेस्टर फिजिक्स सोशोलॉजी नोट्स, ऐसे सारे नोट्स हमने अलग अलग डाल रखे हैं। आप एक बार ट्राई करेंगे ना जा करके तो सारे के सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे कि अब हमने हिंदी का डाल रखा है 4 सेमेस्टर का MCQ पूरा, उसके बाद में देख सकते हो ये BSc का 1st सेमेस्टर के सारे पेपर मिल जाएंगे। इसमें आल सब्जेक्ट है, इसमें देखो BSc 1st सेमेस्टर आल सब्जेक्ट नोट्स फ्री में, पास की गारंटी, डाउनलोड बिल्कुल आसानी से, कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब सब कुछ आपको मिलने वाला है जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। तो ये पेपर हैकर की एक पॉलिसी है जो आपको देखनी चाहिए और सारी पॉलिसी के अंदर आपको ये चीज मिल जाती है। और किसी यार हमारी पॉलिसी का उल्लंघन मत करना, जैसे कि कॉपीराइट चीजें हैं हमारी, ठीक है, तो वो चीज आपको ध्यान रखना है। चलो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाकी नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना नोट्स को डाउनलोड करके किसी और को बेच देते हैं हमारे, तो ऐसा भी मत करना क्योंकि कॉपीराइट है, ठीक है। तो ठीक है, बाकी आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। अब देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो यूनिट नंबर एक में यदि हम बात करें तो यूनिट नंबर एक ऐसा पहले हमारा क्वेश्चन रहेगा, पहले क्वेश्चन में हम देखेंगे, पहले यूनिट के पहला क्वेश्चन जो रहने वाला है वो रहने वाला है आव्यूह। आव्यूह की कोटि क्या होती है और कितने प्रकार के होते हैं एंड इसकी सक्रियताएं क्या है, वो आपको याद करना है। दूसरा क्वेश्चन है कि इसमें ऐसा पूछेगा आपसे कि सिंगुलर क्या होता है, सिंगुलर जैसे बोलते हैं एंड नॉन सिंगुलर जो संकार के उनके बारे में आपको याद करना है। तो दो क्वेश्चन आपके यहाँ क्लियर हो गए, इन दोनों क्वेश्चनों को रटना है। देन यूनिट नंबर दो में हमें क्या क्या पढ़ना है, यूनिट नंबर दो में हमें पढ़ना है कि आइगेन मान समीकरण क्या होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ना ही पढ़ना है। आइगेन फलन, आइगेन मान, इन दोनों में अंतर भी आपसे पूछ लेता है तो ये तो बिल्कुल आसानी से पढ़ लेंगे। आइगेन अवस्था की अवधा अध्यारोपण क्या है, उसके बाद छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। समता एक संका संका संक कह सकते हैं, संका एक क्या होता है, संकारक बोलेंगे, ठीक है। तो जो समता संकारक है वो क्या है, इसके ऊपर आपको याद करना है, ठीक है। एक आता है समता संकारक, एक आता है हार्मीनियम संकारक, इसके गुण के बारे में पूछता है। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ काफी इंपोर्टेंट है। अब यूनिट नंबर तीन में मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा है, तो वो है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। मोस्ट मोस्ट BIBI कह सकते हैं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद में आता है गणितीय निगमन कैसे करेंगे, एक आता है गणितीय निगमन करो, आपको याद करना है। और आपने देखा वो हाइड्रोजन का बोहर मॉडल कैसा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इसको पढ़ के जाएंगे। सरणीकरण आप देखते हैं, सरणीकरण समीकरण, सरणीकरण काल, सरणीकरण 5-5 अंतर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप पढ़ के जाएंगे। सरणीकरण बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसको आप पढ़ेंगे। उसके बाद में एक आपने देखा होगा कि एहरनफेस्ट प्रमेय है, एहरनफेस्ट, इनको पढ़ के जाएंगे, इसकी एक प्रमेय है, इस प्रमेय को पढ़ेंगे। यूनिट नंबर चार में हमें देखना है कि आयताकार विभव की प्राचीर क्या है, आयताकार जो विभव होता है उसका प्राचीर के बारे में याद करना है। हाइड्रोजन परमाणु पर टिप्पणी, लेकिन ये छोड़ दीजिए, लेकिन हाइड्रोजन परमाणु पर जरूर टिप्पणी पढ़ लेना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन पांचवें यूनिट में हम जाएंगे तो पांचवें यूनिट में बोहर का परमाणु मॉडल और किस सिद्धांत की सीमाएं पूछी गई है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, BVI इंपॉर्टेंट है, इसको रटना ही रटना है। उसके बाद में पॉली का अपवर्जन नियम को पढ़ेंगे एंड क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या के प्रकार चार होते हैं, स्पिन क्वांटम संख्या, चक्रीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, ठीक है, वो आप पढ़ेंगे।
उसके बाद में यूनिट नंबर अब 7 में हम पहुंचेंगे साथियों। तो यूनिट नंबर 7 में हमें क्या क्या पढ़ना है, देखो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। एग्जाम से पहले भी कुछ क्वेश्चन दूंगा जो पेपर में 100% फंसेंगे, लेकिन अभी आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है, 85% यहीं से आने वाला है, ठीक है। वो क्वेश्चन लगभग मैं 6-7 क्वेश्चन दूंगा जो एग्जाम से पहले देता हूँ, ठीक है। तो अगले पेपर आकर चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और आपका भाई बहन हाई स्कूल इंटर बी ए बी एस सी बी कॉम कर रहा है तो सबको बता दो कि भरोसा करना है तो पेपर हैकर पे करना है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, 7वीं यूनिट में देखो उसमें एक्स किरण का विवर्तन के बारे में आपको देखना है। लाउ नंबे क्या है, ब्राउन, देखो यहां देखो ब्रैग का नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इसको पढ़ लेना, उसके बाद में इसको छोड़ भी सकते हो। एंड मोसले का नियम पढ़ना है, उसके महत्व के बारे में पढ़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 8वीं यूनिट में हम जब पहुंचेंगे बॉक्स के अंदर जो क्वेश्चन बंद किया है बस उसको ध्यान दो, बाकी सबको छोड़ दो। उसके बाद में है देखो कंपन घर्णन स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे, पूरा क्वेश्चन इंग्लिश में दे रखा है। रमन इफेक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको पढ़ के ही जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है और छोड़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। और देखिए 5वीं के बाद में जो 6ठी यूनिट हमने नहीं दी थी, तो 6ठी यूनिट यहाँ दे रखी है। 6ठी यूनिट में क्षारीय परमाणु का स्पेक्ट्रम आपको देखना है। तो ये क्वेश्चन थे 2024 में आने वाले प्रश्न, आप इन क्वेश्चनों को याद करके 85% प्लस लाने वाले हो, कह सकते हैं आपको फेल करने वाला कोई पैदा ही नहीं। अब इन क्वेश्चन को तैयार तो करो, एक बार देखोगे सारे सारे 100 क्वेश्चन यही फंसेंगे, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। थैंक यू।